इनटू फोर सेक्शंस और हमने जो मरकुस का सुसमाचार उसको चार भागों में विभाजित किया था एंड वी आर नाउ इन द लास्ट सेक्शन और आज अभी हम लोग जो है आखिरी भाग में हैं द पार्ट फ्रॉम चैप्टर्स 13 टू 16 वाज अबाउट द सफरिंग्स ऑफ द सर्वेंट ऑफ गॉड दैट इज ऑफ क्राइस्ट और जो उसका आखिरी भाग है वो 13 से लेकर के 16 तक हम देखते हैं कि यीशु मसीह का उस दुख को उठाया जाना क्रूस पर चढ़ने से पहले And in chapter 13 we saw that he came to Israel and he did not find any fruit there. और हम वचन 13 अध्याय में देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह इज़राइल में आते तो उधर में उनको कोई फल नहीं मिलता है. In chapter 14 we had the shadow of the cross. The Lord Jesus was approaching the cross and he was under agony because of that. और हम जब 14 अध्याय में आते तो वहां पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है उस क्रूस की छाया में जहां पर उस क्रूस के कारण जो है बहुत ही दर्दनाक और वो उस दर्द से होते हुए जा रहे हैं. And in chapter 15 we have the crucifixion, that is the climax of the suffering. और जब हम 15 अध्याय में आते हैं तो वो हम देखते हैं कि उधर में फाइनली उसको प्रभु को जो है क्रूस पर अर्पण किया जाता है, क्रूस पर चढ़ाया जाता है और वो उस प्रभु यीशु मसीह के उन दुखों का वो अंत और क्लाइमेक्स को हम देखते हैं 15 अध्याय में. And in chapter 16 we have the resurrection, that will be our subject today. और जो हम उसके बाद में आखिरी जब हम 16 अध्याय में आते थे वहां पर देखते हैं प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान होना, वो कि आज हमारा आखिरी विषय होगा, आज हम उस पर चर्चा करेंगे. Here also there is some suffering in the sense that the Lord Jesus was grieved because of the hardness of the heart of the disciples. They found it so difficult to believe the resurrection. और यहाँ पर इस अध्याय में भी हम देखते हैं कि प्रभु इस मसीह के लिए जो है कुछ ऐसे एक दर्दनाक बात थी, वो ये थी कि क्योंकि लोगों के जो मन इतने कठोर हो गए थे कि वो लोग प्रभु इस मसीह के जो पुनरुत्थान हो चुके हैं, पुनः जीवित हो चुके हैं, ऐसा विश्वास करने के लिए तत्पर तैयार नहीं थे, इसलिए हम देखते हैं कि वहां पर एक दुख भरी बात है. या देयर इज वन मैटर regarding this chapter 16 that people have debated about. और जब हम 16 अध्याय में आते तो उधर में एक ऐसी बात है जिसके प्रति लोगों ने वाद विवाद करते उसके चर्चा में बातचीत करते हैं. You may have a note in your Bibles. और हो सकता है आपके बाइबल में इस प्रकार के नोट होंगे आपके पास. And that is verses, I think it is 9 to 20. Yeah, verses 9 to 20. Are not there in some of the manuscripts of the Bible. और जो है आपके बाइबल में जो है 9 से लेकर के 20 तक हम देखते हैं वहां पर इस प्रकार की जो बातें घटना है वो और भी बाइबल के जो मैन्युस्क्रिप्ट से दूसरे लेख हैं उनमें पाई नहीं जाती है. Yeah. Now that raises the question as to whether that part should be there in the Bible and which manuscripts should be trusted. और उसके बाद में फिर हम देखते हैं कि ऐसा एक प्रश्न उठता है कि कौन सा जो लेख है जो बाइबल के इस भाग से और दूसरे भाग और दूसरे लेख हैं जो या पुस्तकें हैं उनमें लिखी गई उनमें से कौन सी जो है भरोसेमंद है, किस शिक्षा पर भरोसा किया जा सकता है. Yeah, see, I believe the principle is like this. God works through his people. और इस प्रकार से एक सिद्धांत है, इस प्रकार से हम मान के चलो कि परमेश्वर अपने लोगों के जो उन पर भरोसा रखते हैं उनके द्वारा कार्य करते हैं. You see what God's people have been using for the last 2000 years. और हम इस बात को देखें कि क्या लोग मनुष्य क्या कर रहे हैं 2000 वर्ष से क्या करते चले आ रहे हैं. So if you look into the history, you find that there are two categories of manuscripts. और यदि आप इतिहास को यदि पढ़ के देखेंगे या उसको पलट के देखेंगे तो आप उधर में दो प्रकार के manuscripts अर्थात जो लिखे लेखन है उसको आप प्राप्त करेंगे. So one category has been used by God's people all over the last 2000 years. और जो है जब एक इस प्रकार की कैटेगरी है वो जो है पूरे विश्व स्तरीय सार्वभौमिक तरीके से परमेश्वर के लोग उसको इस्तेमाल करते चले आ रहे हैं. एंड वी ऑल नो दैट इफ वी यूज आवर बाइबल्स रेगुलरली देन द बाइबल गेट्स स्पॉइल्ड आफ्टर सम टाइम, द पेजेस गेट टोन आउट एंड ऑल दैट,
and the Bible cannot be used after some time. और हम इस बात को भली भांति जानते हैं कि जब हम अपनी बाइबल को निरंतर जब सालों सालों जब हम पढ़ते रहते हैं, उसको प्रयोग करते रहते हैं, तो हम कई बार देखते हैं कि कुछ पेज फट जाते हैं, कुछ पेज निकल जाते हैं उसमें से, और कुछ समय के बाद में वो बाइबल उपयोग करने योग्य नहीं बचती है. एंड इफ वी कीप इट इन आवर रूम विदाउट यूजिंग इट व्हेन इट बिकम्स वेरी ओल्ड, और यदि हम अपनी बाइबल को जो है एक अलमारी में जाकर के रख दें कई सालों के लिए, हम उसका कोई प्रयोग ना करें, जब हमारी बाइबल पुरानी हो जाए तो then after some hundreds of years it will be completely destroyed. और कुछ हजार सौ साल के बाद में जो बाइबल को और अपने आप ही वो जो नष्ट हो जाएगी. Now imagine another situation. अभी दूसरी एक अवस्था के बारे में आप विचार कीजिए. There are some bibles which people are not using regularly. इधर में कुछ ऐसी बाइबल हैं जिनका प्रयोग लोग लगातार नहीं करते हैं, उसको नियमित तौर से नहीं करते हैं. They have just thrown it somewhere and it is hidden somewhere and nobody is looking at it. और वो जो है एक ऐसी जगह में उसको फेंक दिया, उसको डाल दिया जहां पर उसको कोई भी नहीं देख रहा और ना ही कोई उसका प्रयोग कर रहा है. And this is happening in Egypt. और ये इस प्रकार की घटना जो है मिस्र देश में हो रही है. What is special about Egypt? मिस्र देश के बारे में क्या विशेषता है? The climate is very dry, so the paper does not get spoiled there. और मिस्र देश की एक विशेषता यही है कि वहां का मौसम जो है बहुत ही सूखा है, इसलिए वहां के जो पेज हैं वो बहुत जल्दी नष्ट नहीं होते हैं. So for hundreds of years, some Bible is lying there, you know, in the rubbish there, and for hundreds of years, people have forgotten about it. और इसीलिए जो है हजारों साल सैकड़ों साल जो है बाइबल उधर में बनी रहती है, जो रब्बी लोग होते हैं उनके उधर में जो है वो बाइबल सेफ और सुरक्षित बनी रहती है. एंड देन इन 1800s लाइक दैट इज जस्ट रिसेंटली यू हैव सम एक्सप्लोरर्स गोइंग देयर एंड दे आर लुकिंग इनटू द रबिश देयर एंड दे फाइंड दैट दिस बाइबल इज देयर. और इसी प्रकार से जो है आप जब 18 साल में देखते हैं तो उधर में कुछ जो लोग जो शोधकर्ता लोग हैं जो खोज कर रहे हैं तो उधर में जो है इन इस प्रकार की बाइबलों को प्राप्त कर रहे हैं जो सैकड़ों साल पुरानी हैं. एंड दे फाइंड दैट ओके इट डज नॉट हैव दीस वर्सेस. और वो लोग जो है उस उधर में इन वचनों को नहीं पाते हैं उन बाइबल में. एंड सो दे स्टार्ट थिंकिंग दैट ओह सो मे बी दीस वर्सेस वर नॉट देयर. और इसीलिए जो है इसी विचारधारा के साथ में वो ऐसा कहते हैं कि अरे इसीलिए जो है उस उधर में ये वचन जो है नहीं पाए जाते. No, to find out the word of God, you know, you don't have to look at some 1000-year-old dustbin. और यदि आपको परमेश्वर के वचन को सही वचन को पाना है या खोजना है तो उसको आपको जो हजार साल की जो जो रद्दी है उसको आपको प्राप्त करने की जरूरत नहीं है. You look at what God's people have been using over the centuries. और आपको केवल यही बात देखना है कि जो क्या परमेश्वर के लोग जो सैकड़ों साल से प्रयोग करते चले आ रहे हैं उसी को and, आप yeah, and those manuscripts have these verses. और ये वही लेख जो है ये सारे वचन उनमें पाए जाते हैं. So basically 90% of the manuscripts have these verses. और विशेषता जो है हम मुख्यतः देखते हैं कि 90% जो है 90% जो लेखन में ये वचन पाए जाते हैं. Just a handful of manuscripts from Egypt do not have these verses. और कुछ मुट्ठी भर ऐसे लेखन हैं जिनमें जो मिस्र देश से पाए जाते हैं और उनमें ये लेख जो है ये वचन नहीं पाए जाते. Now as we study today, we will see that these verses complete the Gospel of Mark. They have a relationship with what has gone before. और यदि हम जब आज इनको जब हम अध्ययन करेंगे जब इनका समाप्ति करेंगे तो हम इस बात को समझ पाएंगे कि इन वचनों का तो समाचार के साथ में क्या संबंध है. एक्चुअली इनका संबंध जैसे समाचार से उसको पूर्णीकरण में जो उस समय में हुआ था उसमें ये संबंध रखते हैं. सो द पर्पस ऑफ सेइंग दीस थिंग्स इज फॉर एनीवन नॉट टू हैव अ डाउट अबाउट दोस वर्सेस. और इसलिए इस ऐसा कहने का कारण यही है कि ताकि कोई भी व्यक्ति उसके उस इन वचनों के बारे में इन वचनों की तरफ से कोई संदेह या उस पर कोई शक या कोई डाउट ना करे. यस. If anyone is interested, this is a subject that interests me. I can tell you which all manuscripts have the verse, which all manuscripts don't have the verse.
यदि आप में से कोई व्यक्ति यदि ये जानना भी चाहते हैं कि वो कौन से लेखन है जिनमें ये वचन नहीं पाए जाते और वो कौन से लेखन है जिनमें वो वचन पाए जाते हैं, मैं उनको बता सकता हूँ। Now, when we study the resurrection, one of the strange things we find is that the disciples and the people were not able to recognize the Lord Jesus. और जब यदि हम प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो हम इस बात को पाते हैं कि उधर में कुछ लोग ऐसे थे जो प्रभु यीशु मसीह को पुनरुत्थान अर्थात पुनः जीवित होने के बाद में पहचान नहीं पा रहे थे, उनको पहचानने में विश्वास करने में उनको तकलीफ हो रही थी, कठिनाई हो रही थी। Yeah, like Mary Magdalene saw him in the garden, but she couldn't recognize him. और उदाहरण के तौर पर हम मरियम मगदलीनी को देखते हैं जो उन्होंने उनको बगीचे में देखा और वो उनको देख करके पहचान नहीं पाई। There were two people walking on the road to Emmaus. They also didn't recognize him. और वो इमाउस के रास्ते पर चलते हुए दो व्यक्ति जा रहे थे, उनसे प्रभु बात भी कर रहे थे, उसके पश्चात भी वो प्रभु को पहचान नहीं पाए। Even when the 11 disciples saw him, they thought that he was a spirit or something. और यहाँ तक कि 11 चेलों ने जब उनको देखा तो वो भी ऐसा सोच रहे थे कि वो एक आत्मा है। Yeah. See, before his death, the disciples and the people who knew him, they did not have any difficulty in recognizing him. और उनके मृत्यु प्रभु के मृत्यु के पहले जो सारे चेले थे या कोई और भी व्यक्ति जो है उनको कोई कठिनाई नहीं थी उनको पहचानने में। Now, if you compare that with today, यदि आप उसकी तुलना आज वर्तमान से करेंगे तो Today everybody recognizes that there was a historical person called Jesus of Nazareth. आज बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह को इस प्रकार से जानते कि हाँ एक ऐतिहासिक पुरुष यीशु मसीह ईसा मसीह हुआ करते थे। Yeah, but they don't recognize that he is the Son of God. They are not able to see his glory. लेकिन वो लोग जो है इस बात को नहीं मानना चाहते मानने के लिए तैयार होते हैं कि वो ही परमेश्वर के पुत्र हैं। अर्थात वो उनकी महिमा को नहीं जानते ना ही पहचानते हैं। Yeah, so it is like people can see Jesus physically, but they cannot see him spiritually. उसी प्रकार से कि सारे लोग जो है प्रभु यीशु मसीह को जो है शारीरिक तौर से उनको पहचानते हैं जानते हैं लेकिन आत्मिक तरीके से प्रभु को नहीं पहचानते। So after the resurrection, his body has become like a spiritual body, and people are not able to see it. इसीलिए जो है वो पुनरुत्थान के बाद में उनका शरीर प्रभु यीशु मसीह का शरीर जो है वो एक आत्मिक शरीर बन गया, इसलिए लोग जो है उनको पहचान नहीं पाते हैं। या we don't know how it will be to see the Lord Jesus Christ, but we have to spend this life preparing ourselves to be able to see him and meet him. और हम इस बात को नहीं जानते कि प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार के होंगे कैसे होंगे, लेकिन हम जब प्रभु यीशु मसीह को देखेंगे तो हम उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो हैं। Let us now compare the resurrection accounts in the various gospels. तो चलिए हम अभी जो है प्रभु यीशु मसीह के उस पुनरुत्थान के इस अकाउंट को इस विषय को जो है और दूसरे सुसमाचारों से इनकी तुलना करेंगे। Yeah, we have observed many times that John presents Jesus Christ as the Son of God. और हमने इस बात को जो है कई बार देखा है कि यूहन्ना जो है प्रभु यीशु मसीह को एक परमेश्वर के पुत्र के रूप में उनको प्रस्तुत करते हैं। And let us read two verses, John chapter 2. चलिए हम लोग दो वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना सुसमाचार उसका दो अध्याय and verse 18 and 19. वचन 18 और 19। इस पर यहूदियों ने उससे कहा, तू जो यह करता है तो हमें कौन सा चिन्ह दिखाता है? यीशु ने उनको उत्तर दिया, इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। So there the Lord Jesus was overturning the money tables in the temple. और हम इसे यहाँ पर इस भाग में देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है जो रुपए पैसे का जो व्यापार करने वाले उनकी जो टेबल था उनको वो उलट कर रख देते हैं। देखते हैं Now these things were happening with the approval of the high priest. और ये सारी बातें जो हैं जो महायाजक के द्वारा किया गए कार्य के साथ में उसके विरोध में हो रही थी। So the people are asking him that do you consider yourself to be greater than the high priest in doing like this?
और इसी के चलते जो वहां के लोग इस बात के बारे में सोच रहे थे और कि क्या तुम उस महायाजक से भी महान हो जो ऐसा कर रहे हो। And that time the Lord Jesus Christ referred to that place as my father's house. और उसी समय में जो है उनकी प्रति उत्तर में प्रभु यीशु मसीह उस स्थान को इस प्रकार से बताते हैं कि ये मेरे पिता का घर है। So by exercising this authority like this, the Lord Jesus is saying that he is the son of God. और इसी प्रकार का उस अधिकार का प्रयोग करते हुए प्रभु यीशु मसीह यह बोलते हुए और दिखाना चाहते हैं कि वो जो है प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं और उनका पिता हैं। So they are asking him the proof. और इस उसके चलते लोग उनसे उसका प्रमाण पूछते हैं। And he says, the reply is, I will destroy this temple and raise it up after 3 days. और उस उनकी प्रति उत्तर में प्रभु यीशु मसीह उनका जवाब देते हैं कि मैं इस मंदिर को ढा दूंगा और 3 दिन में मैं इसको पुनः स्थापित कर दूंगा। So he is speaking of his death and resurrection. और इसलिए वो जो है प्रभु यीशु मसीह उन अपने मृत्यु और उनके पुनरुत्थान के बारे में यहाँ पर बात करते हैं। So the message is that the resurrection proves that Jesus is the Son of God. और इसलिए यहाँ पर जो प्रमाण करने वाली बात यह है कि पुनरुत्थान इस बात का प्रमाण करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं। So we find that in John the resurrection account is the longest among all the 4 gospels. और इसलिए जो है हम प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान का जो अकाउंट है जो विषय है वो उसको हम देखते हैं कि वो सारे सुसमाचारों में एक लंबा विषय एक लंबा अकाउंट है और विवरण हम देखते हैं। Because it is important to John because it shows that he is the son of God and that is the theme of John. और इसलिए जो है ये यूहन्ना के लिए बहुत अति महत्वपूर्ण था ये बात को दिखाना कि वो परमेश्वर का पुत्र है क्योंकि यूहन्ना का जो थीम उसका शीर्षक यही है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं। And in the Gospel of John, we find Jesus, the Lord Jesus, as the Son of God, as God, he is dealing with his various disciples. Would you please repeat, sir? Yeah. In the Gospel of John, we see the Lord Jesus as God or as Son of God, he is dealing with the various disciples. और हम जो यूहन्ना सुसमाचार में इस बात को देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को एक परमेश्वर के पुत्र जो अपने शिष्यों से कई प्रकार से वेरियस जगह में उनसे डीलिंग करते हैं उनके विचार को आदान प्रदान करते हैं। He calls Mary by name. मरियम को वो अपने नाम से बुलाते हैं। That's a big thing when God calls you by your name. ये तो बहुत बड़ी बात है कि जब परमेश्वर आपको जो है नाम से बुलाएं। You know, Thomas was doubting. हम देखते हैं कि थॉमा जो है वो संदेह कर रहा था उस बात पर। So the Lord Jesus told him that you touch my feet and hands and see. और इसलिए उनके उत्तर में प्रभु ने उनसे कहा कि तुम आकर के मेरे हाथ के जो पंजर को छुओ और जो उसमें छेद है मेरे हाथ के छेद को उंगली डालो। And Thomas said, my Lord and my God. और इसलिए वहां पर थॉमा ने इस बात का अंगीकार किया मेरा प्रभु और मेरा पिता। And so here what I'm trying to show is that John shows the Lord Jesus Christ in his resurrection also acting like the Son of God. और इसलिए हम इस बात को क्या कहना चाहते हैं कि यूहन्ना इस बात को दिखाना चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान के बाद में उसी प्रकार का उन्होंने एक्शन किया उन्होंने कार्य किया जैसे कि एक परमेश्वर का पुत्र हो। And the gospel ends with the Lord Jesus asking Peter, do you love me? और इसलिए हम देखते हैं इस समाचार को इस बात से वो खत्म करता है जहां पर प्रभु यीशु मसीह पतरस से पूछती हैं क्या तुम मुझसे प्रेम करते हैं सब बातों से बढ़कर। And then the Lord Jesus says, okay, then feed my lambs. उसके बाद में प्रभु उनसे कहते हैं चलो तुम मेरे भेड़ों के चरवाई करो। So service should come out of love. और इसलिए इस बात का कहना उचित है कि जो सेवा है वो प्रेम के साथ में आना चाहिए करना चाहिए। So this theme is continued in the epistles of John because in 1 John also we see the theme of love and the service there. और इसलिए जो है यही शीर्षक जो है हम पत्रियों में भी देखते हैं जब पहला यूहन्ना और दूसरा जब हम उसको पढ़ते हैं तो उनमें भी इसी शीर्षक के बारे में उधर में चर्चा करते हुए देखते हैं कि प्रेम और उसकी सेवा अर्थात सेवा प्रेम के साथ करनी चाहिए।
Yeah. We have also observed many times that Luke presents the Lord Jesus Christ like a priest. और हमने इस बात को कई बार विचार किया, देखा भी है कि लूका जो है प्रभु यीशु मसीह को एक याजक के रूप में प्रस्तुत करते हैं। In Luke we have the story of those two disciples who were walking on the road to Emmaus. और हम लूका के सुसमाचार में इस घटना को पढ़ते हैं जहां पर वो दो व्यक्ति जो है इमाउस की तरफ जाते पैदल चलते जा रहे थे, उनके साथ में प्रभु यीशु पर वार्तालाप किए। Yeah, so the Lord Jesus talks to them for some time and after that he is revealed to them. और हम देखते हैं वहां पर कि प्रभु यीशु मसीह उनसे कुछ समय तक बात करते हैं, चर्चा करते हुए उसके बाद में फिर अपने आप को उन पर प्रकट करते हैं। And then after that he meets them again with the 11 disciples. और उसके बाद में फिर प्रभु यीशु मसीह अपने 11 शिष्यों के साथ में उनसे मिलते हैं। And Luke tells us that these two and those 11, both of them, all these people, they were very sad and they were very frightened. और प्रभु यीशु मसीह उसके बाद में इस बात को कहते हैं, हम देखते हैं लूका बोलता है कि जो उसके 11 शिष्य और ये दोनों लोग जो है प्रभु यीशु के साथ जो हुआ था उसके प्रति बहुत ही डरे और बहुत ही दुखी थे। या एंड द लॉर्ड जीसस रेप्रिमांडेड देम। और उसके बाद में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उनको जो है पुनः उनको उत्साह करते हैं। या एंड देन ही एक्सप्लेन थिंग्स टू देम। और उसके बाद में फिर प्रभु यीशु मसीह उनको सारी बातें विस्तार से बताते हैं। And then he comforted them also. और उसके बाद में फिर उनको सांत्वना भी देते हैं। This is the work of a priest. और ये जो सेवा कार्य है, ये कार्य जो है एक याजक का कार्य दिखाता है। And then in Luke, the Lord Jesus tells his disciples that repentance and remission of sins should be preached in my name. In all nations, starting from Jerusalem. इसलिए लूका इस बात को बताते हैं कि पश्चाताप करना और पश्चाताप के लिए repentance and remission. Forgiveness of sins. पाप का बलिदान के लिए और पाप की क्षमा के लिए ये पूरे संसार में मेरे नाम से प्रचार किया जाना चाहिए, इस बात को वो बताते हैं। And we see the same thing continuing in the book of Acts. और इसी बात को हम देखते हैं कि प्रेरितों के काम की पुस्तक में इसी बात को लेकर के वो लोग लगातार आगे को बढ़ाते चले जा रहे हैं। Yeah, because Luke again records him saying the same thing there, and Luke tells us how the apostles did the same thing. और हम इस बात को उधर में देखते हैं कि लूक उसी बात को उनको फिर बताते हैं कि किस प्रकार से प्रभु यीशु के साथ में उन्होंने प्रक्रिया किया है, प्रभु ने क्या किया उनके साथ, उसी बात को प्रेरितों के काम में भी बताते हैं। Yeah. Then we have observed that Matthew presents the Lord Jesus Christ as the King of Israel. और उसके बाद में हमने इस बात को भी देखा था कि जो मत्ती का सुसमाचार है और मत्ती का लेखक प्रभु यीशु मसीह का चित्रण एक इज़राइल के राजा के रूप में करते हैं। So when Matthew records the resurrection, he tells us that you know there was an angel that came from heaven. और जब मत्ती जो है उनके बारे में बताते हैं तो हम देखते हैं कि वो इस बात का चित्रण करते हैं कि एक स्वर्ग दूत आया वहां पर। There was a big earthquake. उधर में एक बहुत बड़ा भूकंप हुआ था। The angel rolled away the stone. और वो स्वर्ग दूत आकर के वो पत्थर को हटा दिया। The guards that were there got very scared and they fell down in front of the angel. और उसके बाद में हम देखते हैं कि वहां पर जो सैनिक लोग थे वो बहुत ही डर जाते हैं और वो वहीं पर अपने स्थान पर गिर पड़ते हैं, मूर्छित हो जाते हैं। So all these are demonstrations of power, of strength. और ये सारे कार्य जो है उस शक्ति का, उस सामर्थ्य का एक एक demonstration, एक प्रकटीकरण है। So Matthew is showing us the power of the king. इसलिए मत्ती जो है इस बात का चित्रण करता है, दिखाना चाहते हैं कि एक राजा का सामर्थ्य को। Then you know the Lord Jesus Christ gives his disciples the great commission to spread the gospel in the whole world. और फिर उसके बाद में हम मत्ती के अंत में देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उनको एक ऐसा महान आज्ञा देते हैं कि तुम जाकर के सारे जगत में मेरे नाम का प्रचार करो। And Matthew includes one statement there. मत्ती उधर में एक ऐसा वाक्य का प्रयोग करते हैं। All power and authority under heaven is given to me. और सारा अधिकार स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, ये बात मत्ती उधर में लिखते हैं। So Matthew is again showing us the Lord Jesus Christ as the king here.
इसलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि मत्ती फिर से इस बात को बताना चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह एक राजा इस्राएल का राजा के रूप में बताते हैं। या दिस पावर इन द रेजरेक्शन इज मेंशन इन द बुक ऑफ रोमन्स आल्सो। और ये पुनरुत्थान का ये शक्ति सामर्थ्य है वो जो है रोमियो की पत्री में भी हम पाते हैं। Let us read Romans chapter 1 and verse 4. चलिए हम लोग रोमियो की पत्री उसका एक अध्याय वचन चार को पढ़ लेते हैं। और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुए में से जी उठने के कारण सामर्थ्य के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा। So Matthew shows the power in the resurrection and Paul picks up or he starts from this and goes on in the book of Romans. और मत्ती जो है प्रभु यीशु मसीह को शक्ति के साथ में उसको प्रकट करते हैं। इसी बात को जो है पौलुस पकड़ते हुए अपने पत्री में इस बात को लिखते हैं कि वो पुनरुत्थान के सामर्थ्य के द्वारा परमेश्वर का पुत्र ठहरा। या नाउ वी हैव सीन दैट द थीम इन मार्क इज सर्विस। और हमने मरकुस में देखा कि ये जो उसका शीर्षक है वो है उसकी सेवा कार्य। नाउ इन द बुक ऑफ इन द रेजरेक्शन अकाउंट ऑफ मार्क he mentions three occasions where the Lord Jesus appeared. और जो है मार्कोस अपने इसमें के विषय में इसके विवरण में जो है तीन occasions, तीन ऐसी जगहों में ऐसी परिस्थितियों में जहाँ पर प्रभु अपने आप को प्रकट करते हैं उधर में देखते हैं। So he appears to Mary Magdalene. वो जो है मरियम मगदलीनी को दिखाई देते हैं। That we see in chapter 16 verses 9 to 11. और उसको हम जो है मरकुस का सुसमाचार उसका 16 अध्याय 9-11 से लेकर के 9 से 11 तक। एंड देन वी हैव द टू पीपल ऑन द रोड टू इमाउस वर्स 12 एंड 13। और उसके बाद में हम देखते हैं 12 और 13 वचन में जहां पर प्रभु यीशु मसीह दो लोगों को जो इमाउस के रास्ते पर चले जा रहे हैं उनसे मिलते हैं। लूक गिव्स अ डिटेल अकाउंट बट जस्ट मार्क मेंशंस ओनली टू वर्सेस अबाउट देम। लूका जो है इसके बारे में एक विस्तार से विवरण करते हैं लेकिन मरकुस जो है केवल दो ही वचन उनके बारे में चर्चा करते हुए हम यहाँ पर पाते हैं। And then Mark tells us in verse 14 he appeared to the 11 disciples. उसके बाद में जब वचन 14 में आते हैं तो मरकुस बात बताते हैं कि उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को 11 को वो प्रकट हुए। Now if you look at these three appearances there is one negative thing which is coming in common there. और यदि आप इन तीनों प्रकटीकरणों को जिन जहां पर प्रभु यीशु मसीह तीन परिस्थितियों में तीनों जगह में दिखाई देते हैं वहां पर एक नकारात्मक बात जो आती है उसको हम पाते हैं वो हम देखते हैं यहाँ पर। And that is unbelief. और वो है अविश्वास। You see in verse 11, they did not believe Mary. और उसमें हम देखते हैं कि वचन 11 में लिखा है कि उन्होंने उसकी प्रतीत ना की। इन वर्स 13 Those two went and told the other disciples they didn't believe. और हम वचन 13 के जो आखिरी वचन बात में पढ़ते हैं परंतु उन्होंने उसकी भी प्रतीति ना की। In verse 14 the Lord Jesus reproves the disciples for their unbelief and hardness of heart. और उसके बाद में वचन 14 में जब हम आते हैं तो प्रभु यीशु मसीह अपने आप को प्रमाणित करते हुए कहते हैं कि तुम्हारे अविश्वास के कारण जो है हम देखते हैं वचन 14 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि उन्होंने प्रतीति उसकी नहीं की। So the theme of Mark is service. Now Mark is trying to show us that faith or belief is important for service. और इसलिए मरकुस जो हमको यह बात दिखाना चाहते हैं कि एक सेवा के लिए विश्वास करना प्रतीति करना अनिवार्य है। Yeah. Then even later in verse 16. Mark speaks about belief there. The one who believes and is baptized will be saved. और उसके बाद में इसी बात के चलते में मरकुस जो है इस बात को वचन 16 में कहते हैं कि जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी बात को मरकुस यहाँ पर प्रकट लिखते हैं। So faith is important for service. इसलिए विश्वास सेवा के लिए बहुत ही अनिवार्य है बहुत ही महत्वपूर्ण है। Now Mark's account of the resurrection is the shortest. मरकुस का जो मरकुस में जो प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान का विवरण जो है बहुत ही सूक्ष्म है। या बट मार्क गोस वन स्टेप फर्दर देन द अदर गॉस्पेल राइटर्स। लेकिन मरकुस जो है एक कदम आगे इसके बारे में
आगे बढ़ता है जैसे कि और दूसरे सुसमाचारों की तुलना में. They all say that he went up to heaven. वो सब बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है स्वर्ग में चले गए. But in verse 19 here, Mark says that he sat down on the right hand of God. और मरकुस यहाँ पर एक बात आगे को आगे एक कदम एक बात बोलते हैं कि वो वहाँ पर जाकर के पिता की दाहिनी ओर जा बैठे. Yeah. So he had his service on the earth, and now he's sitting in heaven. And of course, there is a service there also as a high priest. और यहाँ पर हम देखते हैं कि उनकी एक सेवा जब वो यहाँ पर थे उनकी सेवा थी एक सेवक के समान. और अभी हम देखते हैं यहाँ पर कि वो जब स्वर्ग में जाते हैं तो पिता की दाहिनी ओर जाकर के वो बैठते हैं. Of course, the book of Hebrews starts by saying that the Lord Jesus, after he died for our sins, he went to heaven and he sat down on the right hand of God. और ये बात याद भी चाहते हैं कि इब्रानी इस बात से शुरुआत होती है कि प्रभु यीशु मसीह जो है मरने के बाद पुनरुत्थान होने के बाद जब स्वर्ग में गए तो पिता के दाहिनी ओर जा बैठे. So we see that all four gospels, gospel writers, present the resurrection according to their theme. और हम इस बात को अभी तक देखने पाए कि हर एक सुसमाचार लेखक जो है सुसमाचार को मैं प्रभु यीशु मसीह को उनके शीर्षक के अनुसार प्रकट करते हैं. And the account that they give is continued later in the New Testament. और उसका जो विवरण जो देते हैं वो हम देखते हैं कि नए नियम में फिर उसको जारी रखते हुए आगे के हम विवरण को देखते हैं. The love and service of John's gospel is carried forward in the epistle of John, 1 John. और जो है उसका प्रभु यीशु मसीह का सेवा कार्य के प्रति प्रेम के साथ में सेवा कार्य को हम देखते हैं कि यूहन्ना सुसमाचार में खत्म होने के बाद में जो उसकी पत्रियों में भी जारी रखते हुए हम देखते हैं. In Luke, the remission and repentance and remission of sin is continued in the book of Acts. और इसलिए जो है लूका का सुसमाचार में हम देखते हैं कि पश्चाताप और पाप का पाप के लिए उसका जो पाप का जो बलिदान उसकी हम देखते हैं कि वो प्रेरितों के काम में उसको जारी रखते हैं. या एंड इन मैथ्यू द रेजरेक्शन विद पावर इज पिक्ड अप बाय पॉल इन रोमन्स. और इस बात को हम देखते हैं मैथ्यू में जो है वो एक शक्ति के साथ में उसका पुनरुत्थान होना उसको हम रोमियो के पत्र में पौलुस के द्वारा जारी रखते हुए हम देखते हैं. And in Mark, the Lord Jesus sitting on the right hand of God the Father, that is picked up in Hebrews. और जो है मरकुस में जो प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान होने के बाद में स्वर्ग में जाकर के वो पिता की दाहिनी ओर बैठ गए हैं उस बात को जारी रखते हुए हम देखते हैं इब्रानियों की पत्री में. Yeah, of course, the unity and the connections in Scripture are one proof or one way. In which this the inspiration of the scripture by God is shown. और इसलिए जो है इन 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 वचनों की एकता और इन वचनों का जो कनेक्शन जो जो मेल है वो एक जो है पवित्र आत्मा के द्वारा उस प्रेरणा पवित्र आत्मा के प्रेरणा के द्वारा ही ये होता है. Yes. Now let us look at some groups of people who are mentioned by Mark in his account of the resurrection. और चलिए हम उन उन लोगों के विषय में व्यक्तियों के विषय में हम पढ़ लेते हैं और सीख लेते हैं जो मरकुस जो है अपने उस पुनरुत्थान का विवरण देते हुए उनका नाम उधर लेते हैं उनके बारे में चर्चा देखेंगे हम लोग. Let us read chapter 16 verses 1 to 4. चलिए हम लोग मरकुस का सुसमाचार उसका 16 अध्याय 1 से 4 तक पढ़ेंगे. जब सप्त का दिन बीत गया तो मरियम मगदलीनी और याकूब की माता मरियम और सलोमी ने सुगंधित वस्तुएं मोल ली कि आकर उस पर मले. सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर जब सूरज निकला ही था वे कब्र पर आईं और आपस में कहती थीं हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा. जब उन्होंने आंख उठाई तो क्या देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है वह बहुत ही बड़ा था. कब्र के भीतर जाकर उन्होंने एक जवान को श्वेत वस्त्र पहने हुए दाहिनी ओर बैठे देखा. So now these women were all Jewish women. They were women of Israel. और हम जानते हैं कि ये सारी स्त्रियां जो है वो यहूदी स्त्रियां वो इस्राएल की थी. Of course the nation had rejected Christ, but these women were devoted to Christ.
और हम इस बात को जानते हैं कि जो इसराइल का देश है वो प्रभु यीशु मसीह का उन्होंने तिरस्कार किया, लेकिन ये सारी स्त्रियां जो प्रभु के लिए वो प्रभु के लिए समर्पित थी. And they were so, they loved the Lord so much that they wanted to anoint his body after his death. इसलिए क्योंकि ये सारी स्त्रियां प्रभु को बहुत प्रेम करती थी, प्रिय जानती थी, इसलिए प्रभु यीशु का जो शरीर को वो जो है उससे सुगंध द्रव्य से उनको मलना चाहती. Yeah, in their enthusiasm, they did not think about the stone until they were reaching that place. और उनकी उस खुशी के चलते वो इस बात को भूल गईं उस पत्थर के बारे में कि हमारे लिए कौन लुढ़काएगा, वो उस बात को भूल गईं. Yeah, like the nation that they come from, they had two problems. और एक उस देश से जहां से वो आ रही हैं उनके पास दो समस्याएं थी. One is ignorance. And the other is the unbelief. पहला है तिरस्कार करना और दूसरा है अविश्वास. अविश्वास, yeah. They were not expecting the resurrection. वो जो है प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान की कोई आशा नहीं लगाए थे. You know, they did not know that when they go there will be no body there for them to anoint. और वो जो इस बात को नहीं जानते कि वहां पर जब हम जाएंगे जिसके लिए हम जा रहे हैं मलने के लिए जा रहे हैं उधर में वो हमको नहीं मिलेगा, इस बात को नहीं जानती थी वो. And when they were told that the Lord is risen, they could not understand it. और जब उनको इस प्रकार से बोला गया कि जो प्रभु पुनरुत्थान पुनर्जीवित हो चुके हैं हुए हैं तो वो इस बात को विश्वास नहीं करने पाए. In verse 7, the angel asks them to go and inform the disciples. वचन साथ में हम देखते हैं कि स्वर्गदूत के द्वारा उनको ऐसा बोला जाता है कि तुम जाकर के चेलों को यह सूचना दो. But in verse 8 it says that they were frightened, so they ran away, they did not say anything to anybody. और उसके बाद हम देखते हैं कि वो जो बहुत ही डरी और सहमी हुई थी इसलिए वो जाकर के वहां से भागी और उन्होंने किसी को भी कोई बात नहीं बताई. In verse 8. वचन 8 में हम पढ़ते हैं. Yeah. So you see that there is this unbelief and ignorance. Sorry, sir, I didn't hear. Yeah. So we see that there is this unbelief and ignorance. इसलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि उनका अविश्वास और उनका आप म्यूट हो गए. Yeah. Yeah, later on we find that even Mary Magdalene could not recognize the Lord Jesus Christ when he appeared to her. और उसके बाद में हम देखते हैं कि यहां तक कि मरियम मगदलीनी ने भी उन पर विश्वास नहीं किया जब वो उन पर प्रकट हुई. You know, she was crying. आप जानते हैं कि वो रो रही थी. You know, through those tears she could not see the Lord Jesus. और वो उसके आंसुओं के कारण जो है प्रभु यीशु मसीह को वो पहचानने पे हम देखते हैं. You know, those were tears of love, there were tears of sadness. और वो आंसू जो है वो बहुत ही एक प्रेम के आंसू थे और वो आंसू जो है बहुत ही दुख के आंसू थे. But they were also tears of unbelief. She was crying because she did not believe that he was risen. और यहां तक कि उनमें भी वो अविश्वास के आंसू भी थे क्योंकि वो जो इस बात को विश्वास नहीं करने पाए. And like the Jewish people, there was another problem we can say here. There is that stone which is in front of the grave. और यहूदियों के समान उधर में एक और समस्या थी. वो समस्या यह थी कि जो कब्र के सामने एक जो बड़ा पत्थर था वो भी एक समस्या थी उनके लिए. You know, a stony heart does not believe in the resurrection. हम इस बात को जानते हैं कि एक कठोर हृदय प्रभु में जो विश्वास. And the stony heart of the Jewish people is still continuing today, but God will change it at a proper time. और लेकिन यहाँ तक कि आज भी वो कठोर हृदय यहूदियों में इज़राइल में आज भी वो प्रचलित है. हम इस बात को जानते हैं लेकिन परमेश्वर उसको सही समय पर ठीक कर देंगे. Yeah. Then we have an angel that Mark mentions. उसके बाद में मरकुस जो है एक बात और उधर में एक स्वर्गदूत के बारे में हमको बताते हैं. Let us read verse 5 and 6. चलिए हम वचन 6 और 5 और 6 पढ़ेंगे. कब्र के भीतर जाकर उन्होंने एक जवान को स्वस्थ वस्त्र पहने हुए दाहिनी ओर बैठे देखा और बहुत चकित हुई. उसने उनसे कहा, चकित मत हो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो? वह जी उठा है, यहाँ नहीं है. देखो, यह वही स्थान है जहां उन्होंने उसे रखा था.
Yeah. Luke and John mention two angels, but Matthew and Mark mention only one angel. लूका और यहोन्ना जो है दो स्वर्गदूतों को विवरण करते हैं, लेकिन जब हम मरकुस में आते हैं तो वो केवल एक ही स्वर्गदूत के बारे में बताते हैं। You know, there must have been multiple people who went, and many times they must have seen one or two. और उधर में जो हो सकता है ऐसा कि उधर में बहुत सारे लोग वहां पर जाकर के उन्होंने देखा होगा एक और दो। Yes, Mark and Luke refer to the angels as men. लेकिन मरकुस और जो लूका जो है उनको जो एक 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 व्यक्ति के समान उनको बताते हैं। No doubt they look like humans. और उसमें कोई संदेह नहीं था कि वो जो है एक मनुष्यों के समान दिखाई दिए। But you know their power, which is greater than humans, that also was to be seen. और यहाँ तक कि उनका जो शक्ति मनुष्यों से भी बढ़कर के इस बात को भी उन्होंने देखा। Luke stresses the humanity of Christ. लूका जो है प्रभु यीशु मसीह के मनुष्यत्व पर ज्यादा जोर देते हैं। And so he also reports the angels, he presents the angels as men. और इसीलिए उसी के चलते जो है लूका जो है स्वर्ग दूतों को मनुष्यों के समान उनका चित्रण करते हैं, वर्णन करते हैं, हम देखते हैं। Yes. Mark is focused on service. मरकुस जो है उनकी सेवा पर ज्यादा जोर देते हैं। And he makes the angels as an example of service for us. इसीलिए जो है मरकुस हमारे लिए एक उदाहरण के रूप में प्रकट करते हैं, एक सेवा के उदाहरण के रूप में प्रकट करते हैं। In verse 5, Mark tells us the angel was looking like a young man. और वचन 5 में हम इस बात को पढ़ते हैं, मरकुस बात बताते हैं कि स्वर्गदूत एक जवान के समान दिखाई दे रहा था। So we know that angels are not young. They were created very long ago. और हम इस बात को जानते हैं कि स्वर्गदूत जो है वो एक जवान के समान नहीं है, क्योंकि वो बहुत समय पहले उनका सृष्टि हुआ था। But that angel was looking like a young man, and Mark wants to mention that because youth is the time of service. When you are young, you are strong and you can serve. और ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मरकुस जो है प्रभु के उस सेवा कार्य पर ज्यादा जोर देता है, इसीलिए मरकुस जो है उस स्वर्गदूत को एक जवान के रूप में प्रकट करते हैं, प्रस्तुत चित्रण करते हैं, वर्णन करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जब तुम जवान हो तब तुम प्रभु की सेवा कार्य के लिए वो कर सकते हो। Mark also says that the angel was sitting on the right side. और मरकुस जो है इस बात को भी बताते हैं कि वो स्वर्गदूत जो है उनके दाहिनी ओर बैठा हुआ था। In the Bible, right side speaks of authority. Bible में जो है एक दाहिनी और जो है अधिकार को दिखाता है। As servants, we have authority from God. और हम सेवक होने के नाते हमारे पास अधिकार है परमेश्वर से। Yeah. Mark also says that the angel was wearing a white colored robe. और जो मरकुस जो इस बात को भी बताते हैं कि एक जो स्वर्गदूत था वो एक श्वेत वस्त्र पहने हुए था। White shows purity. और सफेदता जो है वो पवित्रता को बताती है, दर्शाती है। And purity is important in service. और इसीलिए कि पवित्रता जो है और शुद्धता जो है सेवा में बहुत ही आवश्यक है। White can also show victory. और जो श्वेत जो है उस विजेता को और जय को भी दर्शाती है। In Revelation chapter 19, the church of God is dressed in white. और हम प्रकाश विभाग उसका 19 अध्याय में इस बात को पढ़ते हैं कि जो प्रभु की कलीसिया वो है वो श्वेत वस्त्रों में उसको सजाया सुजाजित होती है। And with the Lord the church comes down and conquers on the earth. और इसलिए प्रभु के साथ में वो कलीसिया इस पृथ्वी पर आती है और इस संसार को वो जीत लेते हैं। Unlike Matthew and Luke, Mark does not mention the shining face of the angel and the shining clothes of the angel. और मत्ती और लूका के समान मरकुस जो है इस बात का विवरण नहीं करते हैं कि उन स्वर्गदूतों का जो चेहरा है वो एकदम प्रकाश से जगमगा रहा था। Yes, you know it is not the servant's job to draw attention to one's own beauty or one's own attractiveness. वो ऐसा इसलिए है क्योंकि ये एक सेवक का इस प्रकार का गुण नहीं होना चाहिए कि वो दूसरों का मन ध्यान को अपनी ओर आकर्षित करे, अपनी ओर केंद्रित करे। Yes. Then we have an instruction given by the Lord, the Great Commission, to preach the gospel.
उसके बाद में फिर हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु के द्वारा वो उन निर्देशों को और उस महान आज्ञा को जो सुसमाचार देने के लिए, सुसमाचार फैलाने के लिए, प्रचार करने के लिए दी गई हम पाते हैं। लेट अस रीड चैप्टर 16 वर्स 15 एंड 16। चलिए वचन हम लोग 16 का 15 और 16 पढ़ेंगे। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। Now that as we saw the disciples had failed to believe। हम इस बात को अभी देखा था कि उसके शिष्यों ने, शिष्य जो इस बात में असफल रहे, उस पर विश्वास करने में असफल रहे। And here again the Lord Jesus Christ emphasizes that it is necessary for people to believe. Faith is necessary. और इसलिए इसी बात के ऊपर ज्यादा जोर देते हुए प्रभु को हम फिर से यहाँ पर देखते हैं और कहते हैं कि एक व्यक्ति के लिए उद्धार पाना है तो उसके लिए विश्वास बहुत ही आवश्यक है। Now, belief plus baptism is enough. और विश्वास और बपतिस्मा एक काफी है क्या? Is enough. But belief is out of these two. Belief is compulsory. Belief is necessary. और इन सबसे बढ़कर के जो है वो उन पर भरोसा रखना, उन पर विश्वास करना अति आवश्यक है। Yes. Now let us read verse 17 and 18. चलिए हम लोग 17 और 18 वचन पढ़ेंगे। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, यदि वे प्राण नाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि न होगी, वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। Yes. Now, if you compare what is written here with what is written in Matthew, you will find some differences. और यदि आप इसकी तुलना करेंगे कि यहाँ पर जो लिखा है मरकुस के सुसमाचार में जो लिखा है और मत्ती के सुसमाचार में जो लिखा है, उसमें आप भिन्नता को पाएंगे। Of course, the Lord said both things, but some things Matthew records and some things Mark records. इस बात सत्य है कि परमेश्वर ने ये दोनों बातें कही हैं, लेकिन मत्ती जो है कुछ बातों को विवरण करते हैं, मरकुस यहाँ पर कुछ बातों का विवरण करते हैं उनमें से। Mark mentions all these miracles that will take place. और मरकुस जो है उन चमत्कारों को जो उधर में हुए थे उनका विवरण देते हैं। Matthew does not mention the miracles. मत्ती में जो है कोई प्रकार का जो चमत्कार के बारे में विवरण नहीं देखते हम। But Matthew says, talks about discipleship, you know, go and make disciples of all nations. लेकिन मत्ती जो है इस बात को बताते हैं कि आप जाओ और सारे जगत के लोगों को चेला बनाओ। Then in Matthew, the Lord Jesus says that I am with you until the end of the age. और इसलिए प्रभु यीशु मसीह मत्ती में ऐसा पढ़ते हैं, कहते हुए हम पढ़ते हैं, परमेश्वर कहते हैं कि तुम जाओ और जगत के अंत तक मैं तुम्हारे संग हूँ। Yes. Whereas in Matthew, the end of the world is not mentioned. लेकिन जब हम मत्ती में आते हैं तो हम वहाँ पर देखते हैं। Mark में, the end of the world is not mentioned. Yes. और मरकुस में जब हम आते हैं तो वो संसार के अंत तक ये शब्द प्रयोग नहीं किया गया। But in verse 20, it says that these people went and preached the word, and the Lord confirmed those signs. लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं ऐसा लिखा हुआ है वचन 20 में कि जब उन्होंने निकल कर हर जगह प्रचार किया और प्रभु ने उनके साथ काम करता रहा और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा। Yeah. So what we can understand is that these signs will take place during the lifetime of the disciples. और इसका मतलब क्या है ऐसा समझने के लिए कि जो है वो शिष्यों के जीवन के समय तक जो चिन्ह और चमत्कार हैं वो उधर में होते रहेंगे। But the discipleship is supposed to go on till the end of the world. लेकिन जो एक शिष्यता का जो है वो जो पृथ्वी के अंत तक ऐसा होना चाहिए था। The purpose of these miracles is given in verse 20. और इन चिन्हों और चमत्कारों का जो कारण और उद्देश्य वचन 20 में हम लोग पाते हैं। That is to confirm the word. और वो परमेश्वर के वचन को दृढ़ करना है उसका उद्देश्य। The word has already been confirmed with those signs. और ये संसार जो है उन चिन्हों के द्वारा वो पहले से ही दृढ़ कर दिया गया है। परमेश्वर का वचन उन चिन्हों के द्वारा पहले ही दृढ़ कर दिया हो गया है। So it does not have to be confirmed every day now.
और इसीलिए जो है इसको हर दिन और या फिर दोबारा से इसको कंफर्म होने के लिए अर्थात इसको दृढ़ होने की जरूरत नहीं है. या बट देयर आर सम पीपल एंड गॉड इन हिज मर्सी ही शोस सम साइंस एंड सम मिरेकल्स इवन टुडे टू सम पीपल हियर एंड देयर टू हेल्प देम टू बिलीव. और यहाँ यद्यपि आज भी वर्तमान में हम देखते हैं कि कुछ लोगों को परमेश्वर उनका उनके लिए जो है उन चिन्ह और चमत्कारों को देखते हैं. आज यहाँ इधर उधर हम कई जगह हम ऐसा देखते हैं उनके विश्वास के लिए लोग परमेश्वर चमत्कार करते हैं. या देयर आर सम पीपल हु डू नॉट हैव एन एक्सेस टू द बाइबल. और इधर में ऐसे कुछ लोग हैं जो बाइबल तक उनकी पहुंच नहीं है. यू मे हैव हर्ड स्टोरीज फ्रॉम द मुस्लिम कंट्रीज. और आपने जो ऐसी कहानियों को सुना होगा एक जो मुस्लिम देशों से. And many of them are seeing visions or dreams of Christ, and they are turning to Him. और बहुत सारे लोग ऐसे जो हैं उन दर्शनों को और उन स्वप्नों को देख रहे हैं प्रभु के बारे में और वो उसके द्वारा परमेश्वर के पास परमेश्वर की ओर फिरते हैं. Yeah, there are five signs mentioned there. इधर में ऐसे पांच चिन्ह उधर में विवरण हैं हम उनको पढ़ते हैं. There is the first three are there casting out of devils. और पहला जो तीन है वो है वो दुष्ट आत्माओं को बाहर निकालना. Speaking in different tongues. दूसरी अन्य अन्य भाषा नई नई भाषा बोलना. And then healing. और उसके बाद में वो स्वस्थ करना चंगाई करना. We have many examples of this in the book of Acts. और इसी इन्हीं बातों के बहुत सारे ऐसे उदाहरण हमको प्रेरितों के काम में मिलते हैं. Yeah, and this fourth thing of taking up serpents, we have one incident in Acts chapter 28 in the life of Paul. और एक ऐसा इधर में चमत्कार चिन्ह के बारे में यहाँ पर प्रयोग किया गया वचन चार में जब हम पढ़ते हैं कि वो सांपों को उठा लेंगे उसके बारे में प्रेरितों के काम में हम 18 अध्याय में जब हम आते हैं उसको हम पढ़ते हैं पौलुस के जीवन में ऐसी घटना होती है. Yeah. And then the fifth thing mentioned is that if they drink poison, it is not going to harm them. और जो पांचवा चिन्ह यहाँ पर जो बात यहाँ पर विवरण है वो है कि यदि वो कोई यदि को वो प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो उनकी वह कोई हानि नहीं होगी. Yeah, we don't have any record of that in the book of Acts. और इसका कोई भी विवरण हमको प्रेरितों के काम के पुस्तक में नहीं मिलता. You know, this is mentioned like an if. और यहाँ पर एक ऐसा इस प्रकार से दिया गया है कि यदि वो इसको पी लें यदि या सो देयर जॉब इज नॉट टू गो अराउंड ड्रिंकिंग पॉइजन. और यहाँ पर इसलिए ऐसा इसका मतलब यही है कि उनका यह कार्य नहीं है या उनका यह कार्य नहीं है कि वो जाकर के प्राणनाशक वस्तु को पी लें. बट इफ समबडी गिव्स देम टू ड्रिंक यू नो समबडी वांट्स टू किल देम एंड ही गिव्स देम पॉइजन टू ड्रिंक देन नथिंग विल हैपन टू देम. और यदि इस प्रकार से है कि यदि कोई भी आकर के उनको बुलाए कि आकर के तुम जो है प्राणनाशक वस्तु को पी लो तो वो आकर के उनको नहीं पीने चाहिए. Yes. Now we have come to the end here. Just let us make some remarks about the beginning of Mark and the end of Mark. Would you please repeat, sir? Yeah. We have come to the end of the gospel now. Let us make some remarks about the beginning and the end. और इसलिए आइए हम लोग जो है इस समाचार के अंत में हम लोग आ चुके हैं इसलिए आइए हम लोग कुछ ऐसी बातों के बारे में जो हम लोग रिमार्क्स करें शुरुआत से लेकर के अंत तक उन बातों को हम लोग चिन्हित करें. इन द वेरी फर्स्ट वर्स ऑफ चैप्टर 1 मार्क हैड सेड द बिगिनिंग ऑफ द गॉस्पेल ऑफ जीसस द सन ऑफ गॉड. और जो है पहला वाक्य हम इस बात को पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है एक परमेश्वर के पुत्र के रूप में प्रकट करते हैं. And now we see Mark is mentioning Jesus is at the right hand of God. और अभी हम लोग जो है अंत में जब हम आते हैं तो हम यहाँ पर देख पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पिता के दाहिनी ओर जाकर के बैठते हैं. In chapter 1, we saw John the Baptist preaching the baptism of repentance. हम लोग पहले अध्याय में पढ़े थे कि जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उसका उसके मन फिराव के लिए प्रचार करता है. Here the Lord Jesus mentions baptism in verse 15. वचन 5:15 में हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा के बारे में बात करते हैं. In chapter 1 we were told that Jesus came from the city of Nazareth. और वचन हम लोग पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो नासरी से नासरत से आते हैं. Yeah, even here in verse 6 the angel says Jesus of Nazareth.
और यहाँ पर भी जब हम आते हैं तो वचन छह में भी हम इसी बात को पढ़ते हैं कि स्वर्गदूत आकर के उनसे बोलता है कि वो नासरत शब्द का प्रयोग करते हैं। In chapter 1, we were told that the Lord Jesus was with the wild beasts at the time of his temptation. और हम देखते हैं जब दूसरे सुसमाचार में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो उन जंगली जानवरों के साथ में थे जब उनकी परीक्षा हुई। Yeah, that was in Mark chapter 1. मार्कुस का सुसमाचार उसका एक अध्याय में हम पाते हैं। And here the Lord says that the disciples will be protected from the poisonous serpents. और इधर में हम लोग पढ़ते ऐसा पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो उसके शिष्य हैं जो है वो जहरीले सांपों से भी उनकी रक्षा की जाएगी, बचाए जाएंगे, वो इधर में पढ़ते हैं। Yeah, in chapter 1 we were told that the Lord came to Galilee to preach the good news. और हम मरकुस का सुसमाचार इसका एक अध्याय में हम ऐसे इस बात को पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह गलीली में आकर के प्रचार किए। Here in verse 7, the angel tells the women to tell the disciples that the Lord Jesus will meet them in Galilee. और इधर में हम पढ़ते हैं कि ये स्वर्गदूत उन स्त्रियों को इस प्रकार से कहते हैं कि जाकर के तुम उनके शिष्यों से चेलों से कहो कि प्रभु आकर के तुम्हें गलीली में मिलेंगे। The Lord Jesus preached the gospel in chapter 1. प्रभु यीशु मसीह आकर के एक अध्याय में प्रचार करते हैं। And here the disciples are told, preach the gospel to every creature. यहाँ पर हम आकर के देखते हैं कि शिष्य लोगों को ऐसा कहा जाता है कि जाकर के तुम संसार में जगत में सुसमाचार का प्रचार करो। In chapter 1 we have the first miracle which is casting out of a demon. और एक अध्याय में हम देखते हैं कि उधर में पहला चमत्कार वो होता है वो दुष्ट आत्माओं को बाहर निकालना। And here the Lord Jesus is telling that those who believe in my name they will be able to cast out demons. और यहाँ पर हम प्रभु यीशु मसीह ऐसा कहते हैं हम पढ़ते हैं कि कहते हैं कि जो कोई मेरे नाम में विश्वास करेंगे वो दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। In chapter 1, Peter's mother-in-law had fever and when she was healed, she served the disciples and the Lord. हम पहला अध्याय में इस बात को पढ़ते हैं कि जो पतरस की सासू माँ थी जब उसको बुखार था जब प्रभु ने उसको उसका हाथ छूकर उसको चंगाई किया तो हम देखते हैं उसके बाद में वो प्रभु की सेवा टहल करने लगती है। You know, that time we observe fever makes a person restless. और अब इस बात को हम देखते हैं कि जो बुखार जब आता है तो उस व्यक्ति को वो बेचैन कर देता है। Now here in verse 9, we are told that Mary Magdalene had 7 demons inside her. और हम इधर में वचन 9 में हम पढ़ते हैं कि मरियम मगदलीनी के अंदर जो 9 दुष्ट आत्माएं थी। But she was delivered. लेकिन उसके बाद में वो बचाई गई। And she is going and informing the disciples. उसके बाद में हम देखते हैं कि वो जाकर के अपने शिष्यों को इसके बारे में इन्फॉर्म करती हैं। So Mark is bringing out the consistency, the regular functioning of the servant. और मार्कुस जो है उस सेवा कार्य का जो लागू कर और उसको लगातार रीति से होने के बारे में इसके बारे में विवरण देते हुए हम पढ़ते हैं। You know, sometimes it happens like this that you look at someone's life and you say where he started and where he ended. और इस प्रकार से होता है कई बार हम इस बात को पढ़ते हैं कि जब किसी व्यक्ति को कहते हैं अरे तुमने कहां से इसको शुरुआत किया था और इसको कहां पर इसका अंत करते हैं तुम। But Mark is saying that you know the life of the servant of God is a consistent life just as he started he ended. और लेकिन यहाँ पर मरकुस बात हमको बताते हैं कि एक सेवक का जो कार्य है वो सेवक कार्य का उसका मतलब यही है कि उसने जिस प्रकार से इसको शुरुआत किया था उसी प्रकार से वहीं तक उसको अंत करे। We had observed in the past that Mark was a failed servant. और हमने जो है पिछले समय में इस बात को अब विचार किया था कि मरकुस जो है एक विफल एक असफल एक सेवक है रहा। But later on he became a good servant. लेकिन उसके बाद में हम देखते हैं कि वो एक अच्छा सेवक बन करके उभर करके आया फिर बाद में। And he wants to help all of us to be good servants of God. और इसीलिए कि वो हम सभी लोगों को मदद करना चाहते हैं कि ताकि हम भी एक अच्छे सेवक बने। So he presents to us the example of the Lord Jesus himself, the great servant of God. इसीलिए वो हम सभी के लिए प्रभु यीशु स्वयं प्रभु यीशु मसीह का एक उदाहरण के रूप में हमारे सामने प्रकट करते हैं कि एक सेवक के रूप में उनका उदाहरण को देते हैं। And as we have seen in chapter 1, Mark showed the credentials, the certification of this servant of God.
और इसलिए मरकुस हमको इस बात को बताते हैं कि प्रभु एक प्रभु के दास का एक जो प्रमाणी पत्र प्रमाणीकरण को हम लोग इधर में देखते हैं. मरकुस बताते हैं That was in chapter one. वो एक अध्याय में है which we considered as our introduction. और उसको हमने एक एक अध्याय को हमने जो है इसका एक परिचय के बारे में पृष्ठभूमि के बारे में पृष्ठभूमि के अनुसार हमने देखा था. And then in the first five chapters, Mark showed us the power of the servant of God. और उसके बाद में हम पहले जो पांच अध्याय हैं उनमें हम देखते हैं एक सेवक का सेवक का वो सामर्थ्य और शक्ति के बारे में. And then in chapters 6 to 8 we saw the communion of the servant of God. और उसके बाद में 7 से लेकर 8 तक हम देखते हैं कि एक सेवक का जो सहभागिता. And then in chapters 9 to 12 we saw the glory of the servant. और उसके बाद में 9 से 12 तक हम उस सेवक की महिमा को देखते हैं. And then in chapters 13 to 16 we saw the suffering of the servant. और उसके बाद में 13 से लेकर के 16 तक हमने देखा कि एक सेवक का उस दुख को और कष्ट को और पीड़ा को उठाना. And the disciples also learned that service happens by faith and not by sight. और इसीलिए जो है सारे शिष्यों ने इस बात को सीख लिया था, इस बात का एक विषय को सीख लिया था कि सेवा जो है बिना विश्वास के द्वारा ही होती है, बिना विश्वास के सेवा नहीं हो सकती. And Mark also wants to show us that it is God who vindicates or God who lifts up his servant. और इस बात को मरकुस यह दिखाना चाहते हैं कि परमेश्वर ही है वो जो एक उसके सेवक को उठा सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं. द लॉर्ड जीसस वाज अ वेरी लोली सर्वेंट. और प्रभु यीशु मसीह जो है एक बहुत ही नम्र सेवक थे. बट द एंड ऑफ दिस गॉस्पल ही इज एट द राइट हैंड ऑफ गॉड. लेकिन हम देखते हैं इस समाचार के अंत में हम ऐसा पढ़ते हैं कि वो पिता के दाहिनी ओर जाकर के बैठे. देयर इज अ प्रिंसिपल दैट ही हु हंबल्स हिमसेल्फ विल बी एग्जॉल्टेड. इधर में एक ऐसा सिद्धांत है और बाइबल बताती है कि जो कोई अपने आप को नम्र और दीन करेगा वो उठाया जाएगा. And Mark is trying to show us that the Lord Jesus himself is the best example of that. और मरकुस जो है इसी के लिए प्रभु यीशु मसीह एक उसके लिए बहुत ही उत्तम उदाहरण है, इस बात को दर्शाते. So that was the gospel of Mark. और यही सब जो है एक मरकुस का सुसमाचार है. Thank you very much for this opportunity. और आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद इस मुझे अवसर के लिए. I really enjoyed presenting the gospel of Mark to all of you. और आप सभी को साथ में जो मरकुस का सुसमाचार को प्रस्तुत करने के साथ में बहुत ही आनंद बनाया उठाया. And may God help us to be faithful servants like how Mark presents Christ. और परमेश्वर हमारी मदद और सहायता करे कि हम एक विश्वास योग्य दास रहें जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह को मरकुस प्रस्तुत करते हैं. May God bless.